बेसिकली इंटरव्यू में जो ऑड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए, हमारे टेम्परामेंट को चेक करने के लिए, पेशेंस को चेक करने के लिए होते हैं कि हम पेशेंस लूज तो नहीं कर रहे हैं, हम देरी खो नहीं बैठते हैं, गुस्सा तो नहीं आ रहा है, टेम्परामेंट लूज नहीं हो रहा है, इमोशनल क्वेश्चन हमारा कमजोर तो नहीं हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनों सीकर। पिछले कुछ दिनों से हमने RAS के काफ़ी जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज आपको दिखाए हैं। हमारी कोशिश है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि वो किस प्रकार से मेहनत करते हैं और वो RAS बनते हैं, साथ ही उनकी क्या सोच इसके पीछे होती है। आज हमारे साथ में एक और RAS हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपने जो RAS की एग्ज़ाम पास की है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, अपने पूरी फैमिली का बैकग्राउंड भी उसमें बता दें। मेरा नाम शिवराज सिंह शेखावत है, गांव मेरा जाखड़ है जो नावलगढ़ तहसील झुंझुनू जिले में पड़ता है। मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो टैगोर स्कूल गुढ़ागोड़ जी से हुई है। उसके बाद मेरी हायर एजुकेशन में कॉलेज जो है वो राजस्थान कॉलेज जयपुर से हुआ है 2011 में। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से 2014 में हुआ है, उसी दौरान मैंने नेट किया है। एजुकेशन के बाद मैं, ग्रेजुएशन के बाद मैं 2011 में ही तैयारी करने लगा था। 2011 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर में एडमिशन लिया। प्रारंभिक तैयारी मेरी वहीं हुई। प्रारंभिक तैयारी के दौरान दिलीप सर का मार्गदर्शन मिला, मोटिवेशन भी मिला। उसके बाद मैंने 2013 का अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा 637 रैंक रही, सर्विस अलॉटमेंट हुआ नहीं। 2016 में फिर असफलता मिली। फिर 2018 के जनवरी महीने में मैं इस नई भर्ती के आने से पहले ही सूरतगढ़ चला गया भाटिया आश्रम में। प्रवीण जी भाटिया सर के निर्देशन में, मार्गदर्शन में मैंने वहाँ पे काम किया 1.5 साल तक। जून 2019 में मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद उसका रिजल्ट आया, और फिर इंटरव्यू होने के बाद अब फाइनल रिजल्ट मुझे 51 रैंक मिली है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018। आपकी 51वीं रैंक आई है, लेकिन आप इतना लंबा टाइम, एक तो RAS में वैसे टाइम काफ़ी लंबा लगता है, एक एग्ज़ाम होती है तो उसमें पहले फॉर्म भरवाए जाते हैं, फिर प्री एग्ज़ाम होती है, मेंस एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है, और आपने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया, तो इस बीच में कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि हमारा हौसला डगमगा जाए, हमें लगता है कि इतना लंबा टाइम हमें लगेगा? दरअसल तैयारी 2011 में मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दी थी, तब मेरी एज कम थी, जो मिनिमम एज 21 ईयर चाहिए होती है वो कम थी। 2013 की वैकेंसी में ही मेरी एज हुई थी, जो वैकेंसी 2015-16 में जाके कंप्लीट हुई थी, तो 3-4 साल इस भर्ती में पहले ही ऑलरेडी लग चुके थे। 16 के बाद फिर 2016 की भर्ती आई, फिर 2018 की भर्ती आई। इस लंबी तैयारी के दौरान सभी समस्याएं जो बाकी सब लोगों के सामने आती है वो हमारे सामने भी आती हैं, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तमाम प्रकार के तनाव भी आते हैं। पर अब तनाव सबके सामने आते हैं, उन तनाव को मैनेज करना होता है और मैनेज करके आगे चलना होता है। तो इन सब तनावों को मैनेज करने में साथ वाले जो मित्र हैं, साथी हैं, जो बड़े भाई मार्गदर्शन करने वाले वो हैं, परिवारजन हैं, उन सबका सहयोग रहा, लगातार हौसला अफजाई करते रहे, और उन सब की हौसला अफजाई से, लगातार मार्गदर्शन से, मोटिवेशन से ये इतना लंबा संघर्ष कर पाए। बिल्कुल, लगातार परिवार का जो सपोर्ट रहा है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन हमारे जो दर्शक पिछले RAS को जो इंटरव्यूज उन्होंने देखे हैं, वो ये बार बार पूछ रहे हैं कि आप ये भी पूछिए कि वो कितना टाइम अपना पढ़ाई में देते थे और किस प्रकार से वो टाइम का मैनेजमेंट करते थे, ताकि आने वाली अभी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रीट की एग्ज़ाम आने वाली है, पटवारी की एग्ज़ाम अभी होने वाली है, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो वो ये समझ सकें कि हम हमारा टाइम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, ताकि भी एटलीस्ट वो भी उन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। देखिए सर, तैयारी करने के प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक टीचर के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, उनका अलग अलग तरीका हो सकता है, पर मैंने जो अप्लाई किया, मैंने जो सीखा पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल टाइम मैनेजमेंट जो है वो अपना स्टडी का मैनेजमेंट प्लस टेस्ट का मैनेजमेंट दोनों होता है, तो उसमें क्या है, एक बेहतर मेंटर की ज़रूरत होती है, बेहतर मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, जो आपके लिए प्लान बनाए, आपको टारगेट डिसाइड करे, डेली का टारगेट, वीकली टारगेट और मंथली टारगेट डिसाइड करे कि आपको यही पढ़ना है। फिर जो आपके डेली टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट्स हैं, उन मंथली टारगेट्स का टेस्ट करे, वीकली टारगेट्स हैं उनका टेस्ट करे, टेस्ट ले, आपकी कमजोरियों के बारे में आपको बताए और आपकी तैयारी है उसको लगातार टेस्ट करता रहे। इस पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो लगातार रिवीजन, 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 टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग चलती रहे। तो जब तक हम एग्ज़ाम देते रहें, जब तक हम एग्ज़ाम दें, भले उसमें 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 12 महीने लगे, 2 साल लगे, लगातार ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण तो यह है कि सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा इस टारगेटेड तरीके से पढ़ने की वजह से सिलेबस है वो कवर हो जाता है, कोई भी पार्ट है वो सिलेबस का छूटता नहीं है। दूसरा कारण इसमें यह होता है कि इस तरीके से जब हम तैयारी करते हैं
तो हमारे प्रत्येक चरण की, प्रत्येक पार्ट की टेस्टिंग भी बीच में होती रहती है, तब हमें पता चलता रहता है कि हमारा ये पोर्शन कमज़ोर है और ये पोर्शन पर्याप्त रूप से हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया से क्या होता है कि हमें हमारी कमजोरियों का, हमारी मजबूतियों का पता रहता है, और टारगेट दिया होता है तो हमें निश्चित तौर पे उस टारगेट को डेली पूरा करना है, इसलिए हम समय भी लगातार देते रहते हैं, वो भले ही 10 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, 14 घंटे का हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, अच्छा मेंटर आपके लिए प्लानिंग करे, वो आपके टेस्ट ले और लगातार आपको मोटिवेटेड रखते हुए तैयारी करवाए। तो इस तरीके से यदि हम तैयारी करेंगे तो कोई भी आदमी है वो RAS ही नहीं, किसी प्रकार की एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकता है। ये तो आपका जो प्री और मेंस एग्जाम है उसकी तैयारी होगी, इसके बाद में आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। हमारे जैसे लोग हैं या फिर जो दर्शक देख रहे हैं उनका बड़ा एक इंटरेस्ट रहता है इंटरव्यू में, क्योंकि हम इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं तो ऐसे लिखा हुआ आता है कि IAS के एग्जाम में, RAS के एग्जाम में ये ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछे गए, किसी से ये पूछ लिया, किसी से वो पूछ लिया। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए सर, RPSC में मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, पहला इंटरव्यू 2013 की वैकेंसी में दिया था, इस बार 2018 की वैकेंसी में दिया। मेरे दोनों बार के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो बेहतर रहा है, और बेसिकली इंटरव्यू में जो ऑड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए, हमारे टेम्परामेंट को चेक करने के लिए, पेशेंस को चेक करने के लिए होते हैं कि हम पेशेंस लूज़ तो नहीं कर रहे हैं, हम देरी खो नहीं बैठते हैं, गुस्सा तो नहीं आ रहा है, टेम्परामेंट लूज़ नहीं हो रहा है, इमोशनल क्वेश्चन हमारा कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, इन सबको चेक करने के लिए किया जाता है। बेसिकली मेरे साथ तो दोनों इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो सामान्य चीज़ें हम लोगों ने तैयारी के दौरान पढ़ी सीखी और जो हमने व्यवहार में सीखी उन्हीं सब चीज़ों को वहाँ पूछा गया और उनके जवाब दिए गए। तो जो ऑड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, तो उसको एक रूल नहीं माना जाना चाहिए। वो प्रश्न बेसिकली इसीलिए पूछे जाते हैं कि वो हमारा टेम्परामेंट चेक करना चाहते हैं, उसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वो आपका मेंटल एबिलिटी वो चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी किया और अभी आप RAS बन भी गए। लेकिन RAS बनने के बाद में अभी पोस्ट तो आपको मिलना बाकी है, आप SDM बनेंगे, DSP बनेंगे, जो भी पोस्ट आपको मिलेगी। लेकिन आपका क्या पर्टिकुलर कोई मिशन है कि मुझे इस फील्ड में ये इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये मैं करना चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिले तो? देखिए सर, प्रशासन में कोई भी आदमी जाता है तो उसको नियमों में, सरकार की नीतियों में और प्रशासन के जो दायरे होते हैं उनमें, दायरों में रह के काम करना होता है। तो मेरी जो प्राथमिकता वो यही है कि हम जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी जॉब में जाएं, उसमें नियमानुसार, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, सरकार की नीतियों के अनुसार काम करें, जिससे समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो अंतिम पायदान पे खड़ा वर्ग है, उसको किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, उसको नुकसान नहीं हो, और सरकार की पॉलिसी से, सरकार की पॉलिसी से, ब्यूरोक्रेसी के आचरण से उन लोगों को फ़ायदा हो, यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल, ये हमने अभी बात की, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले होगा कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम आराम से स्टडी कर सकते हैं, आप टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि जो भी इन्हें मौका मिलेगा, जो जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी, वो इसमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी RAS में जो पोस्ट मिलेगी उस पर आप अच्छे से खड़े उतरेंगे और आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।